जस टीवी देख रहे हो तुसीं, मैं के पी सिंह तुहाडा स्वागत करदा। पंजाब के मुद्दों जो जिक्र हुंदा ते उस ते सियासत भी हुंदी है, ते इस सियासत नूं जिहड़ा मुद्दा बनाया जाता है कि वह पंजाब विधानसभा के इजलास में बनाया जाता है। मानसून इजलास का वक्त आ गया, तो इस वक्त भी सियासत हो रही है कि मानसून इजलास का वक्त है, जिहड़ा म्याद है उसकी घट रखी गई है। ये वह भी रौला पा रहे हैं जिन्होंने पहला म्याद घट रखी सी, तो वह भी रौला पा रहे हैं जिहड़े इस म्याद में शामिल रहे हैं। क्या बहुत सारे सवाल उन्होंने भी होणगे, पर सवाल यह होगा कि ये म्याद जिहड़ी मुद्दों पर भारी तो नहीं पै रही है, कि मुद्दे है जिहड़े उन्होंने चुकने लिए वक्त क्यों घट मिल रहा है, कि मुद्दे चुकने लिए इन्ना वक्त जायज़ है या नहीं है, ये कि लकीर है जिहड़ी वो मौजूदा सरकार लंबी कर रही है। कि बहुत सारे यहोजे सवाल होणगे कि इजलास की म्याद मुद्दों पर भारी। इजलास से सियासत हो रही है, अब बहस इसलिए ही कर रहे हैं तो टू द पॉइंट वे पॉइंट टू पॉइंट दस ही है। पंजाब विधानसभा के मानसून इजलास की म्याद से सियासत तप चुकी है। सूबे दी विरोधी धिरां ने सूबा सरकार की मंशा से सवाल चुक दिए है। श्रोमणी अकाली दल के वफद ने स्पीकर राणा के पी सिंह का मुलाकात की है। बिक्रम सिंह मजीठिया की अगुवाई में वफद ने इजलास की म्याद बढ़ाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी का वफद पहला ही विधानसभा स्पीकर अगे एतराज जता चुका है। मुख्य विरोधी धिर आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि सरकार मुद्दे तो भज रही है, इसलिए इजलास का समा नहीं बधा रही। विधानसभा स्पीकर ने तर्क दिता है काम यानी कि बिजनेस मुताबिक ही इजलास का समा तय होंगे। 2 से 6 अगस्त तक के इजलास तो पहला पंजाब कैबिनेट ने भी रणनीति बनाई है। कैबिनेट के मुद्दे विचारे गए। सियासत कहती की है, स्पीकर साहब की कहते हैं सियासत से, सुन लीजिए जरा। मैं पंजाब के लोगों को भी बेनती करूंगा कि तुम भी आपदे एमएलए मंत्री जिहड़े तुहाडे हलके दे के जिन्हां नूं चुन के भेजे है उन्हां कोले जाओ ते उन्हां नूं कहो कि सैशन है जिहड़ा उह घट्टो घट 15 या 20 दिन का होना चाहिए। हुण 2 दिन का सैशन है, सवाल ने जिहड़े वो 1 दिन के 20 लगने ने 40 लगन के सारे पंजाब के सवाल। साड़ी 20 की गिण आम आदमी पार्टी की गिणती के मुताबिक 8 सवाल साढ़े लगन गए। अकाली दल का एक वफद आया अज सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया उन्होंने सदालत च, इन्होंने एक मेमोरेंडम दिता है कि जो प्रपोज सैशन है वो समा घट है कि उस समय वाधा किया है। ये विचार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करा, जे बिजनेस होया वॉल्यूम ऑफ वर्क में मद्देनजर रख के जरूरत पी तो जरूर वादा करेंगे। 117 MLA पंजाब दे भगदे मुद्दे सुभाविक तौर पर समा ही नहीं मिलना कि वह ठीक ढंग नाल रखे जाण, और मुद्दे इन्ने ज्यादा ने क्योंकि सरकार की 0 परफॉर्मेंस, सरकार की कारगुजारी जिहड़ी है वह सारिआं दे सामने। और मैनू बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा कि स्टैप बाय स्टैप, ब्रिक बाय ब्रिक जिहड़ी है डेमोक्रेसी एड्डी वड्डी है, इंस्टीट्यूशन है एड्डा वड्डा है, विधानसभा एक प्लेटफॉर्म है, उस नूं डिमोलिश किया जा रहा अज की मौजूदा सरकार वालों, क्योंकि चाहते ही नहीं कोई मुद्दे पर डिस्कशन होवे, मुद्दे पर चर्चा नहीं होने देना चाहती सरकार। ये इल्जाम है विरोधी धिरों का। सवाल इसी को पूछ रहे, बड़ा सवाल असं पूछ रहे इस डिबेट के, पंजाब सरकार के सदे 5 दिन मानसून इजलास में किहड़े काम लई किन्ने दिन। वैसे तो यह सवाल मैंने घंटे पूछना चाहिए थी, पर मैं सवाल पूछ रहा किन्ने दिन। इस सवाल की बहस करा, पैनल साडा मौजूद है, उन्होंने तारफ करा रहा बिंदू सिंह सीनियर पत्रकार ने। बिंदू सिंह हरां दा लंबा तजर्बा है, बिंदू सिंह अक्सर उस सदन के देखे जाते हैं जिस सदन के घंटिया बद्दी तो दिना बद्दी भी काम होंगे, तो उन्होंने मुद्दे किन्ने चुके जाते हैं। बिंदू सिंह तो समझने की कोशिश करा कि बिंदुओं से चर्चा होंगी भी इन्होंने तो समझने की कोशिश करें। बिंदू सिंह बहुत स्वागत है। कुलतार सिंह संधवा आम आदमी पार्टी के विधायक है, तो उस वफद में शामिल से जो स्पीकर साहब मिल के आए हैं, पता नहीं अंदर खाते शायद इन्होंने कोई भरोसा दिता हो, सूँ पता नहीं पूछ लवेंगे, पर सामने तय किया है जो बिजनेस है बिजनेस मुताबक ये सैशन रखा जाता। कुलतार सिंह संधवा बहुत स्वागत है। गुरिंदर सिंह बाली श्रोमणी अकाली दल बुला रहे हैं, बाली साहब भी लंबा तजर्बा है, बाली साहब दा दहाकियां तजर्बा है, तो इन्होंने अक्सर सदन दी कार्रवाइयां गैलरी में बह के देखिया है, उस कार्रवाइयां विच की हुंदा ते कार्रवाई का मतलब हुंदा की है, तो पंजाब के लोगों को समझाना की चाहती है विरोधी धिर, ये बाली साहब समझने की कोशिश करेंगे। बाली साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मनजीत सिंह पोलीटिकल एनालिस्ट एनलिस्ट के तौर पर साडा मौजूद रहेंगे। प्रोफेसर मनजीत सिंह ने राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी तैयार किए हैं, जो विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता उन्होंने दसा जाता कि साड़ी राजनीति है जी साढ़े लोकतंत्र को किमें मजबूत करती है, किमें उस मुद्दे चकती हैगी है, पर इन्हों की राजनीति पढ़ाई शायद इस रूल मुख के मुताबक नहीं चल रही है। कि प्रोफेसर मनजीत सिंह समझने की कोशिश करा कि लोकतंत्र को कमजोर करने की यह प्रक्रिया तो नहीं है कि प्रोफेसर मनजीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहले सवाल कुलतार सिंह संधवा तुहानूं करना चाहूंगा। कुलतार सिंह संधवा मिल के आए थे, चाह का कप पी के आ गए, कोई गल भी हुई है? बिल्कुल जी, असीं उन्हां नूं स्पीकर साहब नूं एक लिस्ट बना के दिती कि तुसीं कह रहे हो मुद्दे है नहीं पंजाब दे विच, ते हर घर दे विच 20-20 मुद्दे है,
ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਕੇ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਉਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬਾ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਜੇ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 'ਚ? ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਕੰਮੀ ਚੁਣਤੀ, ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕੀ? ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਕਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਉਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਵਕਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਲਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਕੁਲਤਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਬੇੜਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਪਲਾਈ ਜ਼ੋਨ, ਚਾਹੇ ਫਲੱਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਕੱਠੇ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿੰਦੂ, ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੀ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਇਜਲਾਸ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਰ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕੁ ਬਿੱਲ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀ ਹੈਗਾ ਰੋਇਲ ਸਿਟੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਛਿੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤੱਥ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਲ ਵੀਰਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਰਸਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦਿਨ ਘੱਟਦੇ ਪਏ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਘੱਟਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦਿਨ ਘੱਟਦੇ ਪਏ। ਰਸਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਆਪਟੀਮਿਸਟ ਹੈਗਾ ਹਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਬੜੇ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਊਂਸ ਬੈਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਾਊਂਸ ਬੈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਅਣਖ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਮ ਜੀ, ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਸ ਸਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ 150 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ 200 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥਰੈਡ ਬੇਅਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾਰੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਧੜਾ ਧੜ ਵਾਕਆਊਟ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਨਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ, ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਉਹ 57 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਲਓ, 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ 85 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਫਸ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲਾ, ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੌਲਾ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੌਲਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਆ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਚੱਲ ਲਈਏ, ਜਾਤ ਦੀ ਚੱਲ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਲਈਏ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟੈਚ ਰਹਿਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 70 ਕੀ 100 ਲੱਖ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 65-70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, 5 ਕਰੋੜ ਲੱਗੇ ਜਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਲੱਗੇ ਜਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਈਏ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ 3-3 ਗੁਣਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿੰਦੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, 40 ਦਿਨ ਮਿਨੀਮਮ, 40 ਦਿਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਧੱਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 117 MLA ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5-5, 7-7, 10-10 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
चलो देखो गल बड़ी बड़ी स्पष्ट जी है, जे हुण असीं खाना पूर्ति ना करिए, जे असीं विधानसभा अध्यक्ष नूं ना मिलीए, जे असीं उन्हां नूं कहीए नहीं तो फिर ये कह देणगे जी उन्हां कोल गए ही नहीं, उन्हां नूं इह इन्हां ने जाके किया ही नहीं, जे जाके डिमांड्स ना रखीए, जे अगे जाके कहीए एक गल हुंदी जी सिर्फ कहण दी कि जे असीं चले गए तां असीं माड़े हो गए, तो जे असीं ना जाइए तां असीं माड़े हो गए, तो जे हुण असीं जाके कह दीए कि साडियां आ डिमांड्स ने इहनूं वधाओ जी जाके, जो कि स्पीकर साहब ने कहता जो कि सानूं विश्वास नहीं उह वधाणगे, इन टाइम तो जाके कह देणगे जी नहीं आई एम सॉरी बे मेरे को आई हैव नो टाइम, मैं दे ही नहीं सकता, मैं तो सिर्फ इन्ना अगे काम कर सकता, सानू ये पता, मगर फिर भी लीडर साहबान का तो फर्ज ही है ना जी, चाहे वह आम आदमी पार्टी के हो, चाहे वह अपोजिशन चाहे वह अकाली दल के बंदे होने जाके कहने जिम्मे एक रिसर्च है जी आम आदमी पार्टी ने अगे रखी है सारे सामने, अकाली दल ये रिसर्च सामने रख सकता नहीं नहीं जड़े है, देखो मैं तो पढ़ी नहीं, मैं तो देखी नहीं, तुम दसोगे तो देखा जड़ी होगी, असी तो उन्होंने मुद्दों पर गल करनी है जो अज पंजाब के अंदर हो रहा है, जो पंजाब के अंदर असी देख रहे हैं, जो प्रैक्टिकल असी जीरो पॉइंट से जाके देख रहे हैं कि की हो रहा है, अज तो उसी ते गल करनी है जी कि ढाई साल की कारगुजारी दस दो। एक आम आदमी पार्टी ने कहा पिछले सत्त साल 2012 तो 2018 तक सिर्फ 100 दिन की सिटिंग्स हुई ने, सत्त साल में सिर्फ 362 घंटे काम किया गया, उस 25 घंटे इजलास से मुलतवी होने करके निकल जाते हैं, तो इन दौर तुहाडा भी है अकाली दल का अकाली बीजेपी सरकार दा। मैं तो जी मौजूदा सरकार की गल करांगा, तुम करोगे पिछली गल तो असी इन्नी गल कहांगे कि नहीं होना चाहिदा सी, वो भी मगर मौजूदा सरकार जिहड़ी है बहुत इंपोर्टेंट है, जे तुसी इह गल कह रहे हो बहुत इंपोर्टेंट है, नहीं होना चाहिए, मगर हुण जिहड़ा हो रहा जो पंजाब दे अज हालात ने जो सुनने च अपन दिक्कत की है सारिया, अगर जिहड़ियां अगर चीजां हैगी उन्हां नूं कहना चाहिदा, ठीक है मेरी निक्की जी इंटरवेंशन ये हैगी है कि आम बंदियां नूं जिहड़ा भी मजारा लैके चंडीगढ़ चाहुंदे, साडी राजधानी सानूं वड़ नहीं दित्ता जांदा पाणी वालियां तोपां दे नाल, उत्थां मार पग्गां ला के भजा दित्ता जांदा, तुसीं बैठे आ एमएलए साहब बन बैठे आ मिनिस्टर बैठे आ और सारे बैठे, जिहड़ी अपोजिशन पार्टियां क्यों नहीं धरना दिंदी उत्थे, कवे कि असीं मरांगे इत्थे, असीं जद तक तुसीं सैशन नहीं वधाउंदे, किवें नहीं जुरत किवें जुरत पाउंगी इहनां दी, तुसीं आपां मिल लिया जी चाह पी ली जी और कहता जी कह ही सकदे आ जी, इह गल्लां नहीं हैगियां, नहीं नहीं इही गल्लां होणगियां, लादा के प्रोफेसर मजी से कह रहे हैं कि धरना देना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि अंदर ये कोई गल पंजाब की कर नहीं दें, अभी फिर आपका मॉक सैशन ला के मीडिया सामने लिया के किया पिछली जो सा पहला सैशन से किया, एक कुलतार संध में एक वीरवा का जिक्र किया, पहले तो मैं गाने च वीरवा का जिक्र सुनया, वीरवा का जिक्र तुम्हें किया, वीरवा दिन परहेज किया जाता छोटे सैशनों के, इसका मतलब की है? देखो जी सरकार की ज ट्रैजरी बैंचेस की जी हूँ तक की रवायत यह रही है, इन्हों की कोशिश ये होंगी है कि लोगों की गल करने की ड्यूटी होंगी अपोजिशन को, अपोजिशन अगर लोगों की गल करेगी तो सरकार को उत्ते कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा, और वीरवार वाले दिन ये अपोजिशन का दिन होंगे, उस दिन जे अपोजिशन के प्राइवेट मैंबर बिल होंगे जे लोग भलाई के लोग हित बिल पेश किए होंगे है उन्होंने बहस होनी होंगी है, और नॉर्मली ये की करते हैं कि उस दिन में ही टपा देंगे मतलब हरेक बंदे बुलाउणगे और आपदे आपदे मेंबर नूं कहा हुंदा भी तुसीं अद्धा अद्धा घंटा हटना ही नहीं, तो उदों नूं जिहड़ा सदन दा टाइम खत्म हो जांदा, वक्त खराब कीता जा रिहा, वक्त खराब करदे आ जी उत्थे, और मैं पंजाब दे लोकां नूं तुहाडे राहीं कहना चाहुंदा कि पंजाबीओ इत्थे पुछण वाला कोई नहीं है, तुसीं खड़े हो तुसीं इन्हां नूं पुछो आपदे आपदे एम एल ए नूं कि तुहाडी कारगुजारी की है, जिहड़ी ड्यूटी तुहानूं उत्थे लाई सी भावें ऑपोजिशन च है भावें सरकार दे विच आ, तुसीं साडे लई की कह के आए, तुसीं पुछिया करो फिर गल बननी है, नहीं इत्थे कोई किसे नूं पुछण वाला नहीं है। ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है बिंदू सिंह, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। बिल्कुल जी, देखो ए दोनों गल्लां तां देखो जायज़ ने, पर सब तो वड्डी गल तां इह है कि 117 नुमाइंदे ने साडे जिहड़े विधानकार जिहड़े उत्थे बैठदे ने विधानसभा दे विच इजलास दे विच, पर सब तो वड्डी गल तां इह है कि उह किद्दां दे मुद्दे किन्नी ज़्यादा सशक्त तरीके नाल किन्ने ज़्यादा प्रोमिनेंस नाल चकदे है ते सरकार नूं मजबूर करन कि उह जवाब दे। हुण जिवें सरकारां नूं हुण जिवें 2-2.5 साल हो गए,
कई तरह के मैनीफेस्टो कांग्रेस के मैनीफेस्टो बहुत सारिया गल्लां सीगियां जिहड़ियां कि हजे तक पूरी नहीं हुई कि उन्होंने जवाब मंगया जाएगा कि उन्होंने जवाब वो देणगे और किस तरीके नाल देणगे और किन्नियां ज़्यादा हुण तां हड़ होके गए है वह मुआवजे दीआं गल्लां विच आ गईआं होर कई प्रोमीनेंट मुद्दे ने जिहड़े कि हजे किते भी किसी तरीके नाल नहीं आ रहे। आप तुसीं कहा कि 70 लाख का अपने मुख्यमंत्री साहब ने मन्निया कि एक दिन का खर्चा आंदा है 3.5 करोड़ रुपया रेवन्यू खास करके जिहड़ा हैगा है वह आम लोगों का है लोगों के पंजाब के लोगों के टैक्स का पैसा है तनखाह विधानकार वधाइया जाए होर उन्होंने खाने मुलाजमान दी मंगा है या किसानों दी मंगा है नहीं उन्होंने विधानकार तनखाह वधाइया जाए जी बहुत इंपोर्टेंट है तो वह सारिया चीज़ा ने तो उस रिप्रजेंटेटिव ने जोड़े ने विधानकार उत्थे बना के लोग चुने हुए नुमाइंदे ने नुमाइंदगी दे विच हैगा कि वो अपने इलाकियां दियां अपने सूबे दियां गल्लां करन 117 जिहड़े ने हुण ड्रग्स दा एड्डा वड्डा मसला हैगा जिहड़ी साडी जवानी नूं खा रहा है साडे जिहड़े डर गए ने लोग वो जहाज भर भर के बाहर नूं जा रहे हैं तो इदां अंदाज़ा लाया जा रहा है भी आने वाले टाइम दे विच है जिहड़ा तुहानूं जवानी इत्थे मिलनी ही नहीं है सूबे पंजाब दे विच ते बहुत खतरनाक अलार्मिंग पॉइंट हैगा इस ते 117 जिहड़े MLAs ने वो सारे अपनी पार्टीबाजी तो उपर उठ के इस ते गल क्यों नहीं करते क्यों इस ते गल नहीं हुंदी ते क्यों इहदा कोई रिजॉल्व नहीं हुंदा फिक्रमंद होना चाहिए। वीरवार ते कोई कमेंट करना चाहुंदे तुसीं वीरवार ते कमेंट यही मैं करना चाहनी हां या यही गल सामने आंदी है भी आ भी बहुत इंपॉर्टेंट हैगा क्योंकि जो प्राइवेट मैंबर्स भी लैके जाते और अपने इंपॉर्टेंट उत्थे मसले होंगे तो जरूर उहदे ते भी गल होनी चाहिए है उन्होंने कंसीडरेशन दे विच लैके आना चाहिए जो उन्होंने सरकारां अखो परोखे कर दें या उन्होंने निगेट किया जाता तो यह भी एक जिहड़ा हैगा नहीं होना चाहिए। चलो एक होर छोटा ब्रेक लवेंगे ब्रेक तो वापस आवेंगे सवाल बहुत सारे है मुद्दे बहुत सारे है तो जो इन भाषा के कहा जाए कि बिजनेस घट हैगा जो बिजनेस घट हैगा कि उस घट समय के उस घट बिजनेस का भी सही हल कढ़िया जाता है कि नहीं है गा उस म्याद दे विच की मुद्दों की गल की जाती कि नहीं की जाती कि देर वाकआउट किया जाता है कि देर रौला पैंदा हैगा उत्थे शायद बहुतियां कार्रवाइयां तुसीं नहीं देखते गए सदन विच ये कार्रवाइयां जो हुंदियां उत्थे पता लगता तुहाडे पैसे का सही जिहड़ा मकसद हैगा वो इस सदन दे विच हल हुंदा कि नहीं तुहाडा वक्त तुहाडियां वोटां उन्हां दी कीमत है उत्थे अदा की जाती कि नहीं की जाती तुहाडे नुमाइंदे सवाल पुछदे आ जां हस खेड के पिछे बैठ के टाल दिते जांदे हैगे बहुत सारे इहो जिहे सवाल हैगे आ कई इहो जिहियां गल्लां हुंदियां जिहड़ियां उस कारवाई विचों कट्टियां जांदियां हैगियां उह असीं वी नहीं तुहाडे नाल सांझियां कर सकते पर जिहड़ियां सांझियां कर सकते हां उह करांगे जरूर। ब्रेक तों वापस आ के फिर पुछांगा जरूर सवाल एक ही पूछ रहे हैं कि इजलास की म्याद मुद्दे पर भारी है पंजाब सरकार के सदे 5 दिन मानसून इजलास में किहड़े काम लई किन्ने दिन समझी सिंह मानसून इजलास है या मजाकिया इजलास है मजाकिया है और मैं दूसरी गल ये दसा कि मैं पिछले 2500 साल का रिपब्लिक की बनी डेमोक्रेसी किमें बनी मैं सारा लिटरेचर स्कैन करता रहा गाहे बगाहे 2500 साल का बिल्कुल दो 2.5 घंटे कम हो रहे 2500 साल नहीं नहीं चलो मेरा मतलब पता होना चाहिए कि जेड़ा ये इंस्टीट्यूशन है यदि महत्ता की है असी तो 6 दहाकियां का रिकॉर्ड कट के बैठे हैं 6 दहाकियां का रिकॉर्ड जो बड़ा पूर हो रहा है। चलो 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 इस तरह KP सिंह जी मैं कहना की चाहना कि जे डेमोक्रेसी सानू यूनीवर्सल फ्रेंचाइज या यूनीवर्सल सफरेज जिहदा मतलब सारे लोगों नू अडल्ट नू अपना वोट पाउण दा अधिकार उन्हां नू किते ना किते ते मौका दिता जावे कि 5 साल बाद ही मौका मिलेगा क्यों मिलेगा लगातार किते ना किते तो उन्हां मौका मिले ये साडी डेमोक्रेसी है ये साडी बनाई हुई है ये साडे वास्ते आ किस तरह वो लोग एहसास करनगे जिहड़े वोटां पाउंदे आ। मैं कहीं ना असैंबली दे अंदर ते बड़ा उत्थे तो तुसीं कदे लागे जा नहीं सकदे मैं एक बारी गया उत्थे बहुत ही उत्थे इहो जिहा खासकर पंजाब दी असैंबली च क्योंकि उह जदों दा बम ब्लास्ट होया उदों बाद इन्हां ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शनां पाईआं बहुत ज़्यादा ते कोई बंदा जा ही नहीं सकदा जांदा वी आ ते कोई 10-15-20 थोड़े जे बंदे जांदे आ। चाहीदा इह आ कि जिन्नियां साडियां पंचायतां हैगियां सारे पंचायत मैंबर मैं हुणे बैठा कैलकुलेट कर रिहा सी 1 लाख तों वध नहीं बणदे तकरीबन वो एक वड्डे साल के अंदर एक बारी या साल 2 साल के बाद ही भावें होवे मिड टर्म तुसीं एवैल्यूएशन होवे कि लो जी 2 साल बाद सारे पंचायत मैंबर एक जगह वड्डे पंडाल च इकट्ठे होणगे बड़े बड़े कैमरे बड़े बड़े वो जिहड़े अजकल स्क्रीन आ वो लगणगे सारे ओपन सैशन होगा सारे बंदे बैठणगे सारे लोग माफ करना जवाब माफ करना तुहाडा सुझाव बहुत वधिया है जदों उन्हां नूं तां आपदे ग्राम सभा इजलास पूरे नहीं करन दिंदे पए उन्हां दे तां कागजी कारवाइयां हुंदियां पईआं तुसीं उन्हां नूं वी उत्थे सद के कागजी कारवाइयां फिर इह नहीं 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 जदों जे जां तां लोकतंत्र दी मजबूती होवे इस दे नाल नहीं इह एक तरीका दूजी गल इस गल दे उत्ते भी जिथे मैं मैंबरां दी गल कर रहा पंजाब दे चुने हुए इलेक्टेड मैंबर दी गल कर रहा उस तरीके नाल साडा जिहड़ा आम सिटीजन आ
ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਸਮਝਣ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਉਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਪੀਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ? ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਲਤਾਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਓਪਨ 'ਚ ਲਾ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਕੁਲਤਾਰ ਜੀ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MLA ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜੇ MP ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ 44 ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ, ਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, KP ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਦਰ ਸੰਧਵਾ, ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਹੁਣ, ਬਸ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, 2-2 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਦਿਸੂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ MLA ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਯੂਟੋਪੀਅਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੋਣੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿਓ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਰੋਲ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ MLA ਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣਾਇਆ ਪਬਲਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਉਲਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਰੋਲ ਉਲਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੁੱਠਾ ਜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜ ਦੇਣ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸਦਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਦੇ MLA ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 3-4-5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਦੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪ ਨਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਏਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ।
जे यही हाल हैगा तो मैं लगता है कि फिर एम एल एज एम पीज़ जोड़े भी साढ़े नुमाइंदे चुने जाते चाहे वह पंचायतों से हो चाहे एम एल ए चुने जा या फिर एम पी चुने जा उन्होंने पहले एक क्राइटीरिया बनाया जाना चाहिए हूँ शायद टाइम आ गया उस चीज़ का जिदे विच हर तरह का क्राइटीरिया होना चाहिए कि वह इस चीज़ की योग्यता रखता है कि नहीं रखता कि उत्थे जाके आवाज़ बुलंद कर सके जब इन्ने सब के बावजूद उन्होंने नुमाइंदे बना के भेजता उन्होंने सीट पोजिशन देती और बाद भी लोगों ने पिछों चीकी जाना चलो ठीक है पब्लिक नूं अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए है बार बार उन्होंने याद करना चाहिए नॉक करवाते रहना चाहिए पर जो बार बार उन्होंने ही खड़े होना है तो फिर नुमाइंदे की कर रहे उत्थे 117 प्रसमजीत हाँ जी छोटी टिप्पणी तुसीं आया सिर ला रहे सी नहीं मैं इन्ना गल कह रहा कि एक तो सैल्फ कन्फैशन बड़ा सोहना पॉलिटिशियन जिहड़े कर रहे बड़ी चंगी गल लगती है मैनू कि राजनीतिक जमात काफ़ी हद तक बेईमान हो चुकी है उन्होंने नीयत ठीक नहीं रही जे लोग उन्होंने काम लैना चाहणगे तो काम करनगे नहीं तो नहीं करनगे बड़ी चंगी गल है दूसरा जिहड़ी बिंदू जी ने पॉइंट रेज़ किया कि जदों चोणां हुंदियां जे इक्वल अपॉर्चुनिटी बराबर का मौका ही नहीं सब नूं चंगे बंदियां नूं मिलूगा चंगे बंदे कित्थों आउणगे नहीं आ सकदे इहो ही बार बार आउणगे इस करके इस तरीके ने बंदा जिहड़ा मर्जी आवे उहदे कोल काम किवें लैणा लोगों नूं इह कला सिखणी पऊगी चलो एक होर छोटा ब्रेक लवेंगे ब्रेक तो वापस आवेंगे काम किवें लैना हैगा लोगों को कला सीखनी पवेगी लोगों ने कला सीखी हुई है लोगों को वोट हैगी है जी पाते हैं कि काम है इन्हों के नुमाइंदे जाके कर पर जो काम लिए वक्त नहीं मिलेगा तो नुमाइंदे है वह भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे असं करिए कि जो करिए वाला सवाल खड़ा हो जाए फिर कुछ तो करना ही पैना सवाल पूछने पैने हैं जो सवाल पूछेंगे नहीं जवाब मिलेगा नहीं वार बार दरवाजा खड़कावे ब्रेक तो वापस भी आवेंगे सवाल असी को पुछ रहे बड़ा सवाल असं पुछ रहे हैं पंजाब सरकार के सदे पांच दिन मानसून इजलास में किहड़े काम लई किन्ने दिन कुलतार संधवा एक स्पीकर साहब ने भी गल कही हैगी है कि बैठक है की है बैठक दे विच विचार किया जाएगा सैशन का जिहड़ी म्याद हैगी उहनूं वधाया भी जा सकता है उनते विचार किया जा सकता है जिवें बिजनेस डिमांड हो कि सारियां पार्टियां उहदे विच शामिल हुंदियां कुलतार संधवा बिल्कुल शामिल होंगे जी पर प्रपोर्शनल रिप्रजेंटेशन होंगी है जी बी एस ई की जी मीटिंग है वो विरोधी धिर नेता होंगे है वो जी ट्रेजरी बेंचेस के प्रपोर्शन के हिसाब से जिन्हें मैंबर ने उस हिसाब से प्रपोर्शन होंगी सो मेजोरिटी प्रवेल करती है अल्टीमेट गल तो फिर फिर सरकार के हक जी होंगी हाँ इन्ना जरूर है जे अपोजिशन चंगी तरह आपकी गल उठावे लोग साथ देन तो बिल्कुल फर्क पैंदा है सरकार नूं सोचण दी लोड़ पैंदी है आम आदमी पार्टी ते अकाली दल दे जां बीजेपी दे नुमाइंदे हैगे आ उहनां दे सुर इक्को ही होणगे इस बारे तो बिल्कुल एक होने चाहिए है जी हाँ। और मैं आम आदमी पार्टी की तो मैं गरंटी दिना क्योंकि साड़ी जी इंटरनल मीटिंग हुई थी साड़ी जी ये वास्ते सैशन वास्ते उहदे च पूरा जोर शोर नाल असीं साड़े लीडर ऑफ अपोजिशन नूं कहा सी बिल्कुल यह बिल्कुल दिस इज ये माफ़ी योग नहीं है सैशन वधाउणा चाहिए मतलब की करदे आ इह जिवें सब तो बेस्ट मेरे को मैं जो रिकॉर्ड लैके आया 1952 तो लैके हुण तक दो जी 1952 तो लैके 57 तक सरकार थी 206 दिन का सैशन से बड़ा वधिया सैशन से जी उस तो बाद जे आप बेस्ट गिणीए तो जी 72 तो 77 की सरकार सी 72 तो 77 की सरकार अज्ञानी जैल सिंह वाली 148 दिन का सैशन से पर उदू बाद असी मतलब कमाल ही करती 97 तो 2002 वाली सरकार 95 दिन 2002 तो 6 वाली सरकार 81 दिन 7 तो 11 वाली सरकार 12 वाली सरकार 88 दिन ते 12 तो 17 वाली सरकार 77 दिन मतलब अकाली दल मजबूर करता स्पीकर साहब मिलने जाके बिलकुल मिलना चाहिए पर सारे चंगा काम करना चाहिए जे अकाली दल ने प्रॉपर किया होंगे ना तो उन्होंने पूरे जोर ना कह सकते भी जे असी 150 दिन का सैशन ला सकते हैं तो तुम क्यों नहीं लाते इन्होंने सारे 77 दिन लाए से जी पिछले 5 साल बाली साहब हुण तुसी उस उन्नी उची आवाज़ नाल ये मुद्दा नहीं चक सकते के पर हुण तुसी जे ये गल उत्थे कह दो कि भाई साढ़े तो गलती हुई है हुण तुसी सुधार लो चलो ये गल्लां भी होंदियां ने तुसी आप ही इन्नी गल कहती है जे ज्ञानी जैल सिंह जी की गल करिए महान लीडर सन वह जे आप दरबारा सिंह जी की गल करिए अगर बेअंत सिंह जी की आप गल करिए लीडर की क्वालिटी ही कुछ होर सन वो एक गल्लां सुन के दूसरी जिहड़ी मनजीत जी ने गल की कि सारे लीडर बेईमान ने राजनीतिक बेईमान है मगर हिंदुस्तान के अंदर 70 साल हो गए हैं अज तक ये बेईमान जिन्होंने तुम कह रहे हो यही देश चला रहे हैं इन्हों ही लोग वोट पाते हैं इन्हों ही लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं और इन्हों को ही देश चलवाते हैं यह जी कभी कोई गल नहीं होंगी कि सारा हिंदुस्तान जरा राजनीतिक बेईमान है कवे
अगर कुछ लोग हैगे ने अगर कुछ गल्लां हैगियां ने किले विच लोग बड़े ईमानदार लोग भी हैगे ने लोग चुन के भी उन्होंने भी भेजते हैं आ तुहाडे सामने है मैं तुहानूं इहो जी गल दसदा मैं आ तुहाडे सामने छे छे वारी एमएलए जित के आए ने तीन तीन वारी मैंबर पार्लीमेंट जितते ने अगर तुसीं उन्हां दी कारगुजारी अगर देखो चाहे किसी दल दे भी ने ना लिया निल फिर भी लोगों ने जिता दिता उन्होंने फिर हुण तुसीं उन्हां नूं की कहोगे बईमान पब्लिक की संबंध हुंदा है एक बहुत वड्डी गल हुंदी है कि पब्लिक दी गल ऑफिसर साहिबान कोल जांदी है। एक बाली साहब एक बाली साहब एक सवाल होर भी सीगा तुसीं इजलास दी म्याद वधाउण दी तां गल करदे हो इजलास विच तुहाडे विधायकां दी हाजरी है जिहड़ी उस दी पूरी होण दी गल क्यों नहीं कीती जांदी? नहीं हुण मेरी मेरे विधायक दी तुसीं गल करोगे अकाली दल दी सारे मैंबर पार्लीमेंट हिंदुस्तान दे की पूरे जांदे ने उत्थे 544 जे मैं कहां कि इत्थे 117 पूरे आंदे ने इह सारे एमएलएस दी ने तुसीं गल उठाई है असीं इह गल तुहाडे टीवी ते कहने आ कि सारिआं नूं जाणा चाहीदा उत्थे अगर एमएलए तुहानूं बणाया ते तुहाडीआं ड्यूटीज़ की ने आई ड्यूटीज़ ने तुहाडीआं लोकां दे प्रति तुहाडीआं। बिंदू सिंह इत्थे सवाल नैतिकता दा हुंदा जदों सवाल नैतिकता दा आवे ते सवाल इह भी हैगा जे वक्त घट भी हैगा जे सरकार दे पास्यों भी असीं देखिए जे वक्त घट हैगा कि उस घट वक्त दे विच कि विरोधी धिरां उन्हां मुद्दिआं दी गल कर पाउंदी है। सवाल इक होर भी हैगा सरकार दे कोल इक तर्क हैगा जिहड़ा उह तर्क सामने नहीं बोल सकदे गे कि साडे कोल खजाना नहीं हैगा असीं सैशन वधा के करना की हैगा क्योंकि मसला तां खजाने नाल जुड़िया होया नाल। बिल्कुल जी गल दोनों तुहाडियां अपनी जगह ठीक ने पर सब तो वड्डी गल तां है कि जिहड़ियां जांदे भी है उत्थे इजलास जो हुंदा है जिहड़े ट्रेजरी बेंचेस ने उत्थे लोग बैठे जिहड़े हुंदे है वो बड़े कंफर्टेबल होंगे क्योंकि शायद पिछले आप जे जिन्हें भी इजलास हुए ने देखा है कि विरोधी धिर जे अपन गल्ला कहती है तो थोड़ी देर के बाद फिर उ जोड़ा है आप ही वैल दे आ जाते हैं तो वॉकआउट ज़्यादा देखने मिले है या फिर पिछले इजलासा तो एक या दो जोड़े लीडर से चाहे वह ट्रेजरी बेंच वालों से चाहे ऑपोजिशन वालों से एक दूजे को ही घेरते रहे ज़्यादातर उत्थे जिहड़ा दूषणबाजी देखने मिली तो वॉकआउट देखने को मिले यह जिहड़े बहुत ज़्यादा एक वड्डा मसला है अपने आप दे विच। और जितों तक गल है कि खजाना खाली का जिहड़ा रट है वह पहली बारी नहीं लाई जा रही हर वारी दी कहानी बनी हुई है सैशन दे मामले च नहीं बोलदे गे सैशन दे मामले च नहीं बोलदे खजाना खाली इस करके सैशन नहीं वधा रहे गे क्योंकि उत्थे मुद्दिआं दी गल होऊगी मुद्दिआं दी गल होऊगी किसे हल तक पहुंचूगी जे हल तक पहुंचूगी तो जेब चो पैसा कढ़ना पैणा पैसा है नहीं बिल्कुल बिल्कुल एदे विच सब तो वड्डी दिक्कत इही आंदी है कि मसलिआं ते गल नहीं करना चाहुंदे क्योंकि सरकारी धिर नूं उहदा जवाब देना पवेगा ते क्योंकि सरकारी जिहड़े हैगे धिर हैगी है या जिहड़ी सरकार हैगी है इस तों बचदी है ते किते ना किते विरोधी धिर भी उस तरीके दे नाल उन्नी ज्यादा स्ट्रोंगली अपने जिहड़े इशूज ने ओह नहीं रख रही। ठीक है हां जी बारी साहब मैं जिहड़ी बिंदू जी ने गल की है बड़ी एब्सोल्युटली राइट जिहड़ी उन्होंने गल्लां बातां कीतीआं हैगीआं दसीआं ने भी इहनां मुद्दिआं ते किते फाइनैंशियल पंजाब दे अंदर कोई कमी नहीं पैसे दी मैं पहले साल तां जरूर कह सकदा कि पैसे दी कमी होई सी हुण पंजाब दे अंदर पैसे दी कोई कमी सिर्फ सरकार इहनां गल्लां तों भज रही है इहनां मुद्दिआं तों भज रही है कि सानूं मुद्दे विधानसभा च उहदे जवाब ना देणे पैणे नहीं होगा। जी सिंह खजाने का कोई तल्लुक है इन्होंने मुद्दे के कोई मतलब नहीं है हाँ। बहानेबाजी है कुछ भी नहीं है जे होवे भी तामी ते तामी लोगों दी गल्लां कर ली जे पैसे नहीं है देखी गड्डियां दे झूठे लैण लई पैसे अपने एसी कमरियां च बैठ लई पैसे हैगे आ ये गलत गल्लां हैं वो छड्ड दिओ तुसीं गल्ल वो सारिआं नूं पता जनता जाणदी। मैं यह कहना जो मैं राजनीतिक जमात कहना मैं राजनीतिक जमात का मैं हर चुने हुए एमएलए का मतलब नहीं लै रहा मैं उस किन्ने क लीडर आ जिहड़े डोमीनेंट पार्टियां दे लीडर आ जो सतपाल डांग वर्गे हैगे आ जिहड़े चप्पलां पा के भी तुरे फिरदे आ मैनूं दस्सण इत्थे इस करके वो जिहड़े आइडियलिस्ट लोग सीगे जिहड़े वाकई जिन्हां दे दिल दे विच लोकां दा दर्द सीगा उह लीडरां नूं मैनूं कोई लिस्ट बना के दे दिओ किसे दिन। दूजी गल जिहड़ियां क्योंकि चोणां जिहड़ियां पार्टियां दे नां ते हुंदियां क्योंकि जिहड़ियां पार्टियां दे विच जिहड़े चुने लीडर आ उन्हां दा कोई परपस हो रहा ते पार्टी दा मकसद कोई हो रहा वो अपने ही पार्टी दे कॉन्स्टिट्यूशन नूं नहीं कोई मन्नण लई तैयार पढ़ लैण अकाली पढ़ लैण बीजेपी कोई भी पार्टी अपने पार्टी दे संविधान नूं पढ़े ते देखे ते उन्हां दी असली जिहड़ी कारगुजारी की है बिल्कुल उहदे उल्ट हैगी आ। इस करके वो गल्लां छड्ड दिओ मैं जदों राजनीतिक जमात दा कहिंदा कि जिहड़े डोमीनेंट लीडर आ जिहड़े डिसाइसिव आ जिहड़े फैसले करदे आ वो सारे रल गए आ वो एक जमात के तौर पर बिहेव करते हैं और लोगों ना निखड़े हुए वो कहते असी एक दूजे को बचाइए लोग सानू कुटणगे लोगों तो बाहर हो गए और यही कारण है कि बिल्कुल संधवा जी ने ठीक किया
जे काम लेना तो लोग सतर्क रहन, लोगों नूं काम करना पऊगा, इन्हां तो किहड़ी गल दा काम करना पऊगा, इन्हां तो काम लैण लई काम करना पऊ। ठीक है कुलदार संधवा, लास्ट मिनट तुहाडे चाहीदे कुलदार संधवा, तुसीं विधायक हो कोटपुरा तो, तुसीं उत्थे जाके सवाल भी पुछदे हो, सवाल रखदे भी हो, कई सवालों की वारी आउंदी भी नहीं। कुलदार संधवा, हुण जिन्ना वक्त मिलता पिया हैगा, जे वक्त नहीं भी वधदा पिया हैगा, उस वक्त दे विच की पंजाब दे मुद्दे तुहाडे विधायक जां बाकी पार्टियां दे विधायक उह चंगी तरह रख सकणगे जां नहीं? देखो जी, जिन्ना मैनूं फीडबैक मिलिया कि आम आदमी पार्टी का हुण तक का जिहड़ा हाउस दे विच कारगुजारी बहुत वधिया रही है। असी पंजाब दे हरेक वर्ग दे जिहड़े मुद्दे उठाए आ, बेअदबी का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, किसान खुदकुशियां का मुद्दा हो गया, पंजाब दे विच पानी जिहड़ा पल्यूट हो रहा, पानी का पद्धर नीवा जा रहा, उहदा मुद्दा हो गया, जिहड़े बच्चे साडे बाहर जा रहे उहनां दा मुद्दा हो गया। पर मैं एक गल ऐड करनी चाहुंदा, सरकार दे कम कार दे विच खजाने दा कोई बड़ी गल नहीं है, वो लोगों की जान सौखी करनी है, लोगों की जान सौखी करनी, और तुसी एस एच ओ नूं पैसे हटा लैणो हटाउणा है तो उहदे ते खजाने की लोड़ है, करप्शन खत्म करनी, तुसी करप्शन खत्म करनी है, खजाने की लोड़ है, और तुसी जिहड़े डॉक्टर है उहनां नूं हस्पतालां दे विच बैठन लाउणा, इहदे वास्ते खजाने की लोड़ है। मतलब ये गल्लां ने, ये बहानेबाजियां है, तुहाडी नीयत साफ होनी चाहीदी है, पैसा भी आउंदा है, गवर्नेंस भी मिलती है, और लोग सौखे भी होंगे, वो एक बार मौका देन लोग असी दिखावांगे। बिंदु साहब, बिंदु सिंह, लास्ट कमेंट थोड़ा चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू की बतौर मंत्री गैर हाजिरी रड़कूगी, बतौर मंत्री मैं कह रहा। बिल्कुल जी, बतौर मंत्री भी, और देखना तो यह पेगा एम एल ए तौर पर भी आते हैं या नहीं, यह बहुत वड्डा सवाल होएगा। और मैं लगता सारा मीडिया उत्थे या लोग देखणगे कि एम एल ए तौर पर भी उत्थे बैठन आते हैं कि नहीं आते हैं। सिद्धू साहब के नाल मुद्दे तो नहीं पिछे रह जाएंगे, सिद्धू साहब ही हो जाऊगी सिर्फ? देखो यह तो देखना पेगा, क्योंकि बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बिंदू सिंह, कुलदार संधवा थोड़ा बहुत धन्यवाद, बाली साहब थोड़ा बहुत धन्यवाद, प्रसम अजीत सिंह थोड़ा बहुत धन्यवाद। अभी सवाल किया कि इजलास की म्याद मुद्दे पर पा रही है, इजलास की म्याद मुद्दे पर पा रही हो सकती है, इस कोई शक नहीं, पर जे नीत चंगी ना हो फिर हर मुद्दे पर नीत भारी पै जाती है, की है इच्छा शक्ति ठीक ना हो, जे इच्छा शक्ति चंगी तरह काम ना करे तो फिर वो हर मुद्दे पर भारी पै जाती है। मुद्दों का काल नहीं हैगा, इच्छा शक्ति का काल हैगा, जो इच्छा शक्ति का काल हो फिर पंजाब नूं शक्ति देने वाला कौन होगा, असं इंतजार ही कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।